राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की धुरा को संभाला है, ऐसे श्रीमान रामलाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी भाई श्याम जाजू जी, दिल्ली के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के ही ऐसे संसद सदस्य श्री अनिल जैन जी, दिल्ली प्रदेश के भूतपूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भाई विजय गोयल जी, हमारे सहप्रभारी श्रीमान तरुण चूग जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री कुलजीत चहल जी, श्री दुष्यंत गौतम जी, श्री राजेश भाटिया जी, और जिन सबको जिताने के लिए आज इस संकल्प का सम्मेलन बुलाया है, ऐसे हमारे सारे सांसद भाई महेश गिरी जी, प्रवेश वर्मा जी, मीनाक्षी लेखी जी, उदित राज जी, रमेश विदुड़ी जी और भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे 16,000 से ज्यादा बूथों से आए हुए मेरे प्यारे बूथ के अध्यक्ष और प्रभारी भाइयों और बहनों, आज इस सभागार के अंदर विशाल सम्मेलन देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है कि दिल्ली में अगर कोई पार्टी सभा भी कर ले तो इतनी बड़ी न हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मेलन इतना बड़ा हो जाए। ये परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का संगठन नीचे तक पहुंचा है। पेज प्रमुख तक की हमारी तैयारियां 2019 के चुनाव के पहले समाप्त हो चुकी। मित्रों, आज मैं आप सबको बताने चाहता हूं कि देश के हर प्रदेश के अंदर संभाग के हिसाब से 7 लोकसभा, 8 लोकसभा, 10 लोकसभा ऐसे सम्मेलन होने वाले हैं, और देश भर के सम्मेलनों का श्री गणेश आज दिल्ली प्रदेश की 7 लोकसभाओं के सम्मेलन से हम करने जा रहे हैं। जीत के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं कि 2019 में फिर से मोदी जी को देश की कमान क्यों दी जाए, ढेर सारे मुद्दे हैं, गिनवाने जाए तो 3 घंटों तक इसकी समाप्ति नहीं हो सकती है, परंतु मेरे लिए एक ही मुद्दा है जीत का, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बूथ के अध्यक्ष और प्रभारी कार्यकर्ताओं की फौज ही जीत के लिए काफी है। मित्रों, 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है ये कोई आम चुनाव नहीं होने वाला। चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, जो तत्कालीन असर छोड़ते हैं, 5 साल के लिए का चुनाव होता है, और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो युग को बदलने वाले चुनाव होते हैं। जैसे सन 1977 में एक चुनाव हुआ था, कांग्रेस की तानाशाही को जनता पार्टी के नाम से इस देश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था, इसने इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत किया। और ये 2019 का चुनाव है, 2019 का चुनाव भी वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों की कॉफिन पर अंतिम किल ठोकने का चुनाव है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी की विजय और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, ये दोनों घटनाएं भारत देश के लोकतंत्र को एक लंबे अरसे तक ये तीनों नासूरों से मुक्ति दिलाने वाला चुनाव होने वाला है, और वो चुनाव की तैयारी के लिए आज हम सब जुटे हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, मुझे और बातें नहीं करनी है, मगर दिल्ली में मुख्यत्वे
तीन पार्टियों के बीच में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मित्रों, पूरे आजाद भारत की राजनीति के अंदर श्री केजरीवाल और श्री राहुल गांधी ने जितने झूठ बोले हैं, इतने सभी झूठों का योग कर दे तो भी पीछे छोड़ दे इतने झूठ बोलने का काम ये दो लोगों ने किया। और अभी अभी जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, वो उनको और झूठ बोलने के लिए प्रेरित करी। मित्रों, अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार जी को उम्र कैद करने का फैसला किया है। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, 84 से लेकर आज तक दिल्ली के सिख नरसंहार का न्याय दंगा पीड़ितों को क्यों नहीं मिला था? क्योंकि दंगे कराने वाले ही उसके संरक्षण में थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक SIT बनाई और SIT के तहत जांच शुरू हुई। एक के बाद एक केस में आज सिख दंगा पीड़ित के विक्टिमों को न्याय मिल रहा है और कांग्रेसियों को सजा हो रही है। देश भर के अंदर दंगा के खिलाफ भाषण करने वाले कांग्रेसियों का दोहरा चेहरा आज कोर्ट के सामने बेनकाब हो गया है। यह सिद्ध हो गया है कि जो रायट्स हुए थे तत्कालीन सत्ताधीशों की निगरानी के अंदर हुए थे और सिखों भाई बहनों पर जो अत्याचार हुआ था वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था, वो आज सिद्ध हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। 5 लाख का मुआवजा देना, SIT का गठन देना करना, इस प्रकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रखना जो न्याय के पक्ष में दलीलें करे, और अंत में सजा दिलाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका पीछा किया है। और मित्रों, कल जो दिल्ली की विधानसभा में घटना हुई है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा सिख दंगा पीड़ित को नमक घाव पर नमक छिड़कने जैसी घटना है। नमक छिड़क शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। ये दोगला चरित्र आम आदमी पार्टी का भी खुला हो गया। मित्रों, 5 साल पहले दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर एक पूरा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। केजरीवाल जी, उनकी पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद सत्ता पर आई और इतने सारे वादे किए थे कि ये सारे वादे की आज सूची उनकी विफलता की सूची बनकर रह गई है। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, मगर आज केजरीवाल जी इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। मित्रों, चुनाव के पहले आम आदमी बनकर घूमने वाले Z+ सुरक्षा लेकर घूमते हैं और दिल्ली की जनता को आज भी झूठे वादे करने का काम किया है। मित्रों, बहुत सारे वादे किए थे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर कुछ चीजें जरूर बताना चाहता हूं। 500 नए विद्यालय खोलने का वादा श्री केजरीवाल ने किया था। मैं आज इस मंच से केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, ये 500 नए विद्यालय कहां है? जरा दिल्ली की जनता को आप गिनवाई दीजिए। हर लोकसभा क्षेत्र में नए 3 अस्पताल खोलेंगे कहा गया था, अस्पताल कहां है भाई? 5 साल आपके भी समाप्त होने आए,
दिल्ली की जनता के सामने हिसाब लेकर जाइए, जो अस्पताल की जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वहां ना डॉक्टर है ना फार्मास्यूटिकल है। कई बार तो अंदर कुत्ते बिल्ली बैठे हुए नजर आते हैं, इस प्रकार के मोहल्ला क्लिनिक आपने। आज भी दिल्ली का युवा अपना मोबाइल लेकर फ्री वाईफाई ढूंढ रहा है, उसको लगता है केजरीवाल जी ने चालू कर दिया, मगर कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बसों के अंदर महिलाओं के लिए मार्शल रखने की बात करी थी, केजरीवाल जी मार्शल का ड्रेस कैसा है जरा तनिक बता दीजिए, तो दिल्ली की महिलाओं को मालूम पड़े कि मार्शल है या नहीं। एक भी डीटीसी की बस के अंदर मार्शल रखने की व्यवस्था नहीं करी है। सीसीटीवी लगाने का ऐलान किया था, दिन दहाड़े कोई भी घटना हो जाए कहीं पर भी सीसीटीवी लगाने का काम नहीं किया है। पेयजल की व्यवस्था भी आपने सुधारने की बात करी थी, मगर जो थी उसको भी नीचे ले जाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। लगभग 50% जनता को दुर्गंध वाला पानी पीने के लिए एक केजरीवाल सरकार ने मजबूर किया है। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी की सामने चुनाव लड़ते वक्त केजरीवाल जी ने किया, मगर आज तक पूरा नहीं हुआ। उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ने 1600 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को सैद्धांतिक मंजूरी देने का काम किया, दिल्ली मेरठ हाईवे बनाया, ईस्टर्न कॉरिडोर को तक लगभग 50,000 करोड़ रुपया अलग अलग सड़क योजनाओं के लिए दिए हैं, आईपी विश्वविद्यालय भी स्वीकृत कर दिया, 84 दंगों में मारे गए 3,300 लोगों को 5,00,000 रुपये तक का मुआवजा दिया, अमृत प्रकल्प में 4 लोकल बॉडीज को लगभग 802 करोड़ दिए, स्मार्ट सिटी के तहत 1331 करोड़ के लगभग 71 प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया, और पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो का झाला बुनने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक भी ऐसा वादा नहीं जो हमने लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लिए किया था और आज बाकी रह गया हो, ऐसा एक भी वादा नहीं। हम चुनाव में सभी वादे पूरे कर जनता को अपना हिसाब देकर जनता का मैंडेट लेने जाने वाले हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी है, जो वादा तो पूरे नहीं करते, नए वादे पे वादे करते जाते। मित्रों, अभी कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया बड़ी सधी हुई होती है, मगर मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट देकर 15 दिन के अंदर नेशनल हेराल्ड का बिल्डिंग खाली करने के लिए कह दिया। मित्रों, नेशनल हेराल्ड का बिल्डिंग जो जनता की संपत्ति था और पिछले रास्ते थे, कांग्रेसी नेतृत्व ने अपनी व्यक्तिगत कंपनी में तब्दील कर करोड़ों रुपए की संपत्ति चाऊ करने का काम किया था, कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको कह दिया कि 15 दिन के अंदर आप नेशनल हेराल्ड का बिल्डिंग खाली करिए। इनकम टैक्स ने भी उनको 600 करोड़ की आय लगभग छुपाने के लिए नोटिस दिया है, उसको भी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरीके से सर्टिफाई करने का काम किया। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ 600 करोड़ की आय छिपाने का आरोप, इसको हाईकोर्ट तक की पुष्टि मिल गई, करोड़ों रुपये अरबों रुपयों की संपत्ति को हड़प करने का आरोप है, इसको भी हाईकोर्ट की पुष्टि मिल गई है, मगर कांग्रेस नेतृत्व गलत आरोप लगाने में से बाज नहीं आता। राफेल कर पूरे देश के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष ने हो हल्ला कर दिया। उस वक्त मैं कहता था आपके पास जितने भी तथ्य हैं,
जितने भी साक्ष्य है, जितने भी प्रमाण है, वो सारे लेकर आप एक बार पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केस चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना उचित नहीं समझा, अपनी बी टीम को ये सब लेकर भेज दिया, बी टीम लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि सारी बातों में कोई वजूद नहीं है, इसकी जांच करने की भी कोई जरूरत नहीं। फिर भी निर्लज्ज होकर हर रोज इस बात को दोहराए रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं मित्रों, अरबों करबों करोड़ों का घोटाला करने वाला कांग्रेस नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के सामने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आरोप कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के एक एक नागरिक का संपर्क करे और इसको सत्य बताने के लिए निकले। मित्रों, 5 साल तक जिस तरह से मोदी जी ने सरकार चलाई है, मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। देश में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा जिसके प्रधानमंत्री थे, हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर हमारी सेना के जवानों को अपमानित करते थे, कोई बोलता नहीं। देश में सरकार बदली, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने उरी के अंदर एक घटना कर दी, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया। सबको लगता था अब क्या होगा, मगर इस बार मौनी बाबा प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया और हमारे रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों के मृत्यु का बदला लेकर आ गए। और मित्रों, जिस क्षण ये सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, उसी क्षण दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया। दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपने जवानों की मौत का बदला लेने के लिए जाने जाते थे, अमेरिका और इजराइल। सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई उसी दिन ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये कांग्रेस के लोग आज भी देश की सुरक्षा का सवाल आता है, देश के असुरक्षित करने वालों के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी लेकर आई। एनआरसी क्या है? एनआरसी देश के अंदर जो घुसपैठिए है, वो घुसपैठियों को चिन्हित करने की व्यवस्था है। अकेले असम के अंदर 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित किए गए। प्रथम दृष्टि से जैसे ही 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित हुए, राज्यसभा लोकसभा में कांग्रेस ने और उनके सहयोगी ने, राहुल बाबा एंड कंपनी ने हाय तोबा मचा दी। ये कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे? अरे भाई, इनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? आपके मौसेरे भाई लगते हैं क्या है? मित्रों, उनको उनकी चिंता हो रही है, मगर ये घुसपैठिए देश में बम धमाके करते हैं और हमारे नागरिक मारे जाते हैं, उसकी चिंता नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष से, क्या आपको बम धमाकों में मारे जाने वाले लोगों के फैमिली के ह्यूमन राइट की चिंता है क्या? देश का गरीब भूखा मर रहा है, उसकी भूख की चिंता है क्या? आप घुसपैठिए को बचाना चाहते हो? जितना चिल्लाना हो इतना चिल्ला लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब देश में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है मित्रों, कोई जगह नहीं। और मैं आप सभी के सामने आज कहना चाहता हूं, देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं,
कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और कोहिमा से लेकर कच्छ तक एक एक घुसपैठियों को चून चून कर देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करनी है। मित्रों, एक घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक नहीं है, एक घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है और हम ऐसे विषयों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 70 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाई। हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा, सभी बड़े दर्दों के अंदर इसके इलाज का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, दवाइयों का खर्चा 50 करोड़ लोगों के लिए देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार ने इसके साथ अपने आप को जोड़ा नहीं। दिल्ली के गरीब कहां इलाज कराएंगे? मैं केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली के गरीबों को क्यों अन्याय कर रहे हो? उनके मन में भय है कि योजना अगर आगे चली गई तो नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मित्रों, देश के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को गैस देना, 8 करोड़ से ज्यादा घरों के अंदर शौचालय भेजना, लगभग 19,000 गांव में बिजली पहुंचाकर हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा करना, इस 26 जनवरी तक देश के हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने जा रही है। मित्रों, ये सारे काम 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किए। नक्सलवाद माओवाद पर लगाम लगाई है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है, गरीब के घर में उजाला पहुंचाने का काम किया है, गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है, शहरों को सुविधापूर्ण बनाने का काम किया है, किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये सारे काम आज इस प्रकार से फैले हैं कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह सामने से दिखाई पड़ता है। जहां जहां जाते हैं, देश में कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी सभा में बोलते हैं, मोदी 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 के नारे आज देश भर में गूंज कर आवाज लगाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे लिए हो गया हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारा नेतृत्व कर रहा है। उनके नेतृत्व में हम 2019 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। मित्रों, मैं मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं को, बूथ के सैनिकों को कहना चाहता हूं, विपक्ष कितनी भी भ्रांति दिलाने का, फैलाने का प्रयास करे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मुझे सामने की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ाई पड़ता है कि 2019 के अंदर आज से भी बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आज दिल्ली प्रदेश के सभी बूथों से कार्यकर्ता उपस्थित है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि श्री रामलाल जी ने सारे कार्यक्रम बताए हैं, इस संगठन के कार्यक्रमों को लेकर, चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर, राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर दिल्ली के घर घर में जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, कॉलोनियों में जाइए, गांव में जाइए और 2019 में एक बार फिर से 7 की 7 लोकसभा की सीट
भारतीय जनता पार्टी जीते, ये विजय को आप लोग सुनिश्चित करिए। आप मुझे बताइए, आज दिल्ली के सभी बूथ अध्यक्ष और प्रभारी ये फैसला कर जाते हैं कि चुनाव तक हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। जरा जोर से बोलिए, करेंगे। 2019 में मोदी सरकार बनाएंगे, हर लोकसभा सीट पर भाजपा को जिताएंगे, दिल्ली के घर घर में कमल का निशान पहुंचाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व को दुनिया के अंदर सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।